हम लोगों का नल जल से लेकर के और इंदिरा आवास तक का, शौचालय तक का सारा हम लोग काम करके देते हैं और 24 घंटा हम लोग प्रेशर में प्रेशराइज रहते हैं। तो इस हम लोग का मांग 25,000 उचित है और हमारे ऊपर जितने कैडर हैं लोग, जितने अधिकारी हैं लोग, जैसे एसी भैया है, सीसी भैया है, बीपीएम भैया है, डीपीएम भैया है, ये जितने सारे भैया लोग हैं, हम ही लोग से काम करवाकर और फायदा वो लोग घर में पहुंच रहा है। और हमारे बीपीएम भैया कहते हैं कि आप लोग 1500 रुपया में, 1000 रुपया में आप लोग जीना सीख गई है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखा तीन मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम सिसवन प्रखंड के सिसवन हटे, जहाँ पर जीविका दीदी लोग लगातार कई दिन से हड़ताल कर रहा बा लो और सरकार के नाक में दम कर रहा बा लो। भाई मांग का अब हम जाने का प्रयास करते नहीं कि आखिर में काहे नाकवा में दम करते रहो, जबकि मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी के ही सबसे अधिकतर ध्यान देता नहीं। कहते नहीं जीविका दीदी को हम लोग बहुत लाभ दिए हैं, लेकिन जीविका दीदी नाराज हो जाता लोग, कहने का है काहे जी काहे नाराज बनी जीविका दीदी लोग नाराज रही लो ना काहे काहे मुख्यमंत्री तो इतना रो लो के 1500 रुपया पर के काम करता। आज तक देखो मजदूर के एक दिन के दिन के अगर दिन भर मजदूर काम करता तो कम से कम 400-500 रुपया बनता। 50 रुपया में के काम करता कि सीएम दीदी सारा वर्कर काम करी। यही से हम लोग के जीविका लोग पूरा हड़ताल कर ले, पूरा हड़ताल पर बानी सारा दीदी एक मत से बानी सर। मतलब कौन दिन हड़ताल बनी लो? जितना दिन हमनी के मांग पूरा ना हो। रोलो का मांग बा, का मांग बा? हमनी के मांग बा कि हमनी के स्थाई कइल जाओ 60 साल तक। हाँ। और मांग बा कि हमनी के 25,000 सैलरी कइल जाओ और डायरेक्ट खाता पर आवे। 25,000? 25,000 जीविका दीदी लोग के, जीविका दीदी लोग के। इसलिए कि जीविका दीदी के ऊपर एक तो जमीनी स्तर पे काम है, सारा दिन 24 घंटा जीविका दीदी प्रेशर में प्रेशराइज रहती है। हाँ। ठीक है, और जमीनी प्रेशर काम का प्रेशर रहता है, एक तरह का काम नहीं है। समूह का बैठक करवाना है, वीओ का भी देखना है, फिर बैंक का भी काम करना है, फिर दीदी लोग का हर एक एक दीदी का 35-35 डाटा लेना होता है। अच्छा। उनका जीरो से लेकर डाटा क्या होता है दीदी? हाँ, दीदी का डाटा यही होता है कि दीदी का नाम क्या है, दीदी के हस्बैंड क्या करते हैं, उनके परिवार में कितने बच्चे हैं, उनके परिवार में कौन कौन कमाने वाला है, उनके बच्चे कितना मैट्रिक पास किए हैं, कितना इंटर पास किए हैं, कितना वो कारोबार क्या करती हैं। अच्छा। इस तरह का डाटा अनेकों सा है, वो सारा डाटा हम लोग को देना रहता है, रिपोर्ट करना रहता है। और जब भी कोई BPIU से फोन करते हैं, सीसी भैया फोन करते हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष फोन करती हैं, CLF की, VO की, हम लोगों का नल जल से लेकर के और इंदिरा आवास तक का, शौचालय तक का सारा हम लोग काम करके देते हैं और 24 घंटा हम लोग प्रेशर में प्रेशराइज रहते हैं। तो इसलिए हम लोग का मांग 25,000 उचित है। अब सरकार इस पे गहन करे और सोच करे कि क्या वो हम लोग को हम सभी दीदी लोग का, जीविका दीदी का ये मांग पूरी करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, सब मिलना जुलना के घेटर और लोग उठाता का। यस, आप सही बोले रिपोर्टर भैया कि सब जगह से हम लोग का जो है नट्टी दबाया जा रहा है। इसलिए कि सेविका का पहचान है, आशा लोग का पहचान है, सबका पहचान है, लेकिन हम लोग का कोई पहचान है ये नहीं है कि हम लोग क्या है। आप हमको जानते हैं हम जीव का है या क्या है? हमारी पहचान है, आप तो रिपोर्टर हैं, तो आप एक अपना काम कर रहे हैं तो आपको रिपोर्टर के नाम से जाना जाता है कि मीडिया रिपोर्टर है। हम लोग जीविका दीदी है, क्या पहचान है आपको? कहीं से दिख रहा है कि हम लोग जीविका दीदी है? दिख रहा है आपको? तो फिर हम लोग को पहचान होनी चाहिए ना। तो सरकार तो बड़ा रोल पर ध्यान दे ले, जीविका दीदी नाम धरती यार। नीतीश कुमार जी कहते नहीं हे जीविका दीदी इधर आइए, आप लोग को हम क्या क्या नहीं दे रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं।
सही बात है मीडिया भैया, आप ये बात सही बोले। इसी का तो सरकार फायदे ले रही है। और हमारे ऊपर जितने कैडर हैं लो, जितने अधिकारी हैं लो, जैसे एसी भैया हैं, सीसी भैया हैं, बीपीएम भैया हैं, डीपीएम भैया हैं, ये जितने सारे भैया लोग हैं, हम ही लोग से काम करवाकर और फायदा वो लोग घर में पहुँच रहा है। और हमारे बीपीएम भैया कहते हैं कि आप लोग 1500 रुपया में, 1000 रुपया में आप लोग जीना सीख गई हैं। और इसी हम लोग धर्ज बना के रखे हुए थे कि चलिए आज नहीं तो कल सरकार हम लोग को भी सुनेगी, लेकिन वो सुन नहीं रही है। और सारा दीदी लोग को ये नया जो प्रपत्र आया है सरकार के द्वारा कि हर एक तो पर समूह 150 रुपया देती है, समूह से हम लोग को पर समूह 150 रुपया लेना होता है परियोजना के तरफ से। और इसमें भी हर एक साल 2024 के बाद से 20% का कटौती किया जाएगा, 20% और 28 तक परियोजना हम लोग को कुछ भी देने वाली नहीं है। क्या तो आप समूह से भीख मांगिए, हाथ फैलाइए, जो कि समूह की दीदी देने के लिए एग्री नहीं है, तो क्या हम लोग फ्री में काम करेंगे? हमारा परिवार नहीं है, हमारा बाल बच्चा नहीं है, हमारा क्या हम लोग अशिक्षित अपने बच्चों को रखेंगे? खाना नहीं खिलाएंगे, कपड़ा नहीं पहनाएंगे? इसलिए सरकार जो है, हम लोग ये सोच रहे थे कि चलिए सरकार के नजर में हम लोग कभी ना कभी है, कभी ना कभी हम लोग को सरकार जो है देखेगी, नीतीश भैया इसका निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आखिर में हम लोग आखिर दांव में ये सब धरना प्रदर्शन और काम सारा बंद कर दिए हैं। ये मारा तो नीतीश कुमार बोलो भरोसा न जीते नी आए जी के दीदी लोग के भरोसे जीते नी। अब देखिए, नीतीश भैया या कोई सरकार हो या मुखिया सरपंच कोई भी हो, पब्लिक से ही जीतता है और पब्लिक से ही वो पलटी मारता है। तो अब तो नीतीश भैया जीत गए हैं, हम लोग का कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग का पेमेंट उचित होना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। अब नीतीश भैया के तरफ से हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होगा, तो हम लोग कभी तरफ से अब कोई काम नहीं होगा, कोनो काम ना करो, कोई काम जीविका का होगा ही नहीं। हमारे साथ में ये जितनी सारी दीदियां हैं वो सब सहमत है। आप एक एक सहमत बानी लो, जब तक ले मांग पूरा ना हो सर, तब तक ले हमने काम मांगवा, काम मांग पेमेंट हमने का बढ़े के चाहिए, कितना? 25,000 जी। गिराएंगे हम ही लोग, 40 रुपया में 1 किलो आलू मिल रहा है, तो बताइए हम लोग तो 2000 का काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तो हमारा परिवार क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे, क्या किराया करके हम लोग ऑफिस जाएंगे बार बार? क्या जन प्रतिनिधि आई रहो, क्यों जन प्रतिनिधि विधायक सांसद क्यों सुने खाती आई रहो? हम लोग काम करवाना होता है तो सब आते हैं लो, लेकिन जब हम लोग का सुनना होता है कोई नहीं सुनते हम लोग का। अच्छा। बल्कि हमको उल्टे में धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग अगर प्रदर्शन के धमकी देता है, बीपीआई से मिल रहा है सर, बीपीआई के है, के है बीपीएम सर धमकी दे रहे हैं, क्या देते नहीं धमकी, हम लोग को हटा दिया जाएगा, बताइए अपने लिए आवाज उठाएंगे तो ये लोग हटा देंगे हमको? बीपीएम सर बोल रहे हैं कि आप पर केस करेंगे, केस करेंगे, हमारे साथ नहीं है ये लोग, बीपीएम सर एसी सर कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है, हम अपने लिए खड़े हैं तो उन लोग को इससे भी दिक्कत है। अच्छा। हाँ, धमकी दिया जा रहा है हमको, धमकी दिया। हाँ, माने सरकार ना माने तो क्या करें, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, जैसे समूह बनाए वैसे तोड़ेंगे समूह को। एक तरफ नीतीश सरकार बोल रहा है गरीबी हटा दो, महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को मान देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, और महिलाओं को भरपेट भोजन के लिए तनख्वाह नहीं दे रहा है। हाँ, सही बात है, कहना है कि गरीबी हटाएंगे, बताइए 1200 काट देहल जाता है दाम छपाक से, हाँ लोग जो मांग रहा जायज मांग बाटे, अब लगातार हड़ताल चल रहा बाटे, अब सरकार अब का फैसला लेती है आए वाला वक्त में पता चली, लेकिन हड़ताल कितने दिन चली? हड़ताल जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग अनशन और हड़ताल पे ही रहेंगे। अच्छा। हमारे साथ हम अकेले नहीं है, हमारी समूह की, हमारी अध्यक्ष सचिव, बीओ की अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष, सारा कैडर, जैसे हम लोग का सीएम है, सीएनआरपी है, सीएलएफ की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है, समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है, यानी कि जितने स्टाफ है
और जितने भी समूह की सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सब लोग हम लोग के साथ में है, हम अकेले नहीं है। अच्छा, सांसद साहिब महिला बनी, वहाँ से काम मांग करे के चाहे जीतल बनी। अब सांसद जो महिला है उनसे भी हम लोग का यही मांग है, हमारा उचित भाई मांग है वो पूरा करे। अच्छा। हम तो सरकार से कुछ ले नहीं रहे हैं, मांग नहीं रहे, हमारा उचित जो है, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ताना उचित दे। चलिए, बराल देखते रहिए मैच बॉक्स।